जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वी वन जस्टिस, वी वन जस्टिस, वी वन जय हिंद। नमस्कार, सच न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। एक तारीख को जो वकील के मर्डर कर दिया गया था द्वारका में, उस सिलसिले में आज इसके विरोध में यहाँ पे दिल्ली के सभी जो जिला अदालतें हैं वहाँ पे आज एक दिन की सांकेतिक हड़ताल रखी गई है, और हो सकता है ये हड़ताल आगे भी जारी रहे। और वकीलों की ये मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है उसको पास किया जाए और उनको सभी जो वकील हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। राजस्थान में तो ये बिल पास है ऑलरेडी, और अभी मार्च में ही पास हुआ है, जबकि दिल्ली में ये अभी पास नहीं हुआ है। तो उसके लिए ये डिमांड है इनकी, हम कुछ वकीलों से भी यहाँ बात करते हैं। मेरा नाम एडवोकेट जगन्नाथ है, मैं दिल्ली से यहाँ पर वकालत कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत दिक्कत का बात है, हमारा एडवोकेट भाई का ऐसे बीच रोड में मतलब गोली मार के हत्या कर दी। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। ये जो है ये नहीं दिल्ली में भी अभी हुआ है, बाकी राजस्थान, यूपी, हर स्टेट में कहीं ना कहीं वकील भाई का ऊपर गोली चाकू से हमला हो रहा है। ये सब चीज़ ये जो दिल्ली में घटा ये बहुत बड़ी दुखद पूर्ण है। हमारा जो आज हमारा पूरे दिल्ली प्रदेश में जितने जिला न्यायालय है, सारे हमारा बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में लाइक में सारे वकील आज हड़ताल में। देखिए ये जो होता है हमारा जो प्रोफेशन है आज एडवोकेट, हमने जस्टिस के लिए ये करके पहले मुख्यतः हमने हमारा जो प्रोफेशन है किसी को जस्टिस दिलाना, मतलब किसी के लिए हमने वकालत करते हैं, कोर्ट में आर्गूमेंट करते हैं, उसको न्याय दिला रहे हैं। तो आगे वाला जो हमारा एग्नेस में जो है वो जो क्रिमिनल है, जैसे कोई विक्टिम है हमें उसके लिए फेरफकारी कर रहे हैं, उसमें जाके कोर्ट में उसको न्याय दिला रहे हैं। तो आगे वाला जो एक्यूज है, जो मुजरिम है, उसका कहीं ना कहीं वकील का ऊपर उसका रहता है कि ये वकील ही मेरे खिलाफ हम तो सबूत पेश कर रहे हैं या फिर दलील दे रहे हैं। क्योंकि देखिए हम तो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को न्याय दिला रहे, तो कहीं ना कहीं वो फिर बाद में वो पर्सनल हो जाते हैं। फिर बिल्कुल उन्होंने बोलते हैं कि नहीं ये वकील ही मेरे खिलाफ केस लड़ा है वो, लेकिन हमारा प्रोफेशन यही है, क्योंकि हमारा जो न्याय व्यवस्था न्याय दिलाना हमारा काम है। तो इसमें हमारा अभी रिसेंटली राजस्थान में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किया गया है, ये उनका जो घटना घटी है राजस्थान में, यूपी में भी घटना वारदात, तो हमारा ही दिल्ली में हर दिन कुछ ना कहीं वारदात होता है। क्या मांग है आप? हमारा ये मांग है कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किया जाए, और कुछ एडवोकेट को प्रोटेक्शन के लिए ना कुछ फाइनेंशियली भी असर किया जाए, कि कोई एडवोकेट जैसे कोई जगह जैसे कहीं डेथ होता है, मतलब कहीं उनका ये होता है कोई क्लाइंट नहीं, तो आर्थिक मदद भी होना चाहिए, कंपनसेशन वगैरह मिला जाए आपको, और एक प्रोटेक्शन एक्ट किया जाए, ताकि हमारा कहीं ना कहीं जैसे हर राज्य में हर जगह वकील का ओवर हो रहा है। ठीक सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश कुमार यादव है। हाँ जी, मैं द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो किस डिमांड को लेके आज आप हड़ताल पर हैं? देखिए सबसे पहली चीज़ हमारी पहली डिमांड है कि जो एक्यूज हैं उनको अरेस्ट होना, पहले नंबर दिल्ली पुलिस अरेस्ट करे। दूसरी हमारी जो डिमांड है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जिससे इस तरह की घटना दोबारा फ्यूचर में ना, हमारी दो ही डिमांड है। तो आरोपियों को पकड़ा जाए और जो वीरेंद्र नरवाल जी के आरोपियों को पकड़ा जाए। जी जो उनकी पुलिस कह रही है कि उनकी पहचान तो हो चुकी है, लेकिन वो ये पारिवारिक मामला लग रहा है इनका। कोई भी अगर मामला होता है कभी भी वकील का, तो वो आपसी रंजिश ही होता है। आप मानिए, मैं अगर किसी मुकदमे में किसी भी क्लाइंट का मैं पैर भी करता हूँ, तो दूसरे पार्टी के लिए मैं अगेंस्ट लड़ रहा हूँ, तो उसकी मुझसे रंजिश हो जाएगी, और उसका बदला लेने के लिए आउट ऑफ कोर्ट या कोर्ट के अंदर वो कभी भी बदला लेने की कोशिश करेगा। आप एक कुछ किसी बिल को पास करने की भी मांग कर रहे हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, हाँ, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। हाँ, जिससे हम जैसे जितने भी एडवोकेट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं,
क्रिमिनल मैटर में या कोई भी मैटर है, उस बिल को पास होने से आपको क्या सुविधा मिलेगी? उस बिल से क्या होगा, वो हमें बिल प्रोटेक्ट करेगा। जैसे आप पुलिस का एक्ट है कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान है कि इतना सजा मिलेगी और आर्थिक दंड, उसी तरह ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर ये बिल लागू हो जाता है तो उसमें भी लिखा गया है कि अगर कोई एडवोकेट के ऊपर अटैक करेगा जानलेवा तो उसमें 7 से 10 साल की सजा और साथ में आर्थिक दंड। राजेश्वर डागर एडवोकेट, द्वारका कोर्ट, एक्स सेक्रेटरी। देखिए, भरी भीड़ में एक चौराहे के ऊपर जब हैवी ट्रैफिक थी और दो कदम पर चौकी थी, पुलिस चौकी थी, इस सिचुएशन में अगर किसी वकील की हत्या होती है और वो भी निर्मम हत्या, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। अब पुलिस की लापरवाही कहेंगे इसको, पुलिस के ऊपर उंगली उठती है सरेआम, क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर पाई है। और इतनी भीड़ में अगर एक वकील जो कि अपने आप को न्याय, दुनिया को न्याय दिलवाने के लिए तत्पर रहता है, जब उसके ऊपर अटैक हुआ, वो उसकी मौत हुई है, तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि एक आम आदमी दिल्ली में सुरक्षित है जी? और इस तरह की हम पूरे वकील भाई सब आलोचना करते हैं, ऐसी हत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं। पुलिस हमेशा जब भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, तो पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो आदमी अच्छी तरह से सुरक्षित है कि नहीं है। जैसे आप पंजाब में देखिए, सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कर दी थी, उसकी कम करते ही उसको मार दिया गया जी, जी। यहाँ पर उसके ऊपर अटैक हुआ और उसकी पुलिस से सिक्योरिटी हटा दी इन्होंने, इस तरह से थोड़ा ही ना चलता है जी, जी, जी। उसकी पुलिस प्रोटेक्शन पूरी की पूरी रखनी चाहिए थी, चाहे उसका कोई भी केस है, हम इस बात को नहीं करें, लेकिन आज हमारा एक वकील भाई हमारे परिवार का सदस्य गया, हमें इस बात का बहुत दुख है। देखिए, हमारी करीब 10 साल से ये डिमांड चली आ रही है, बहुत जोर शोर से डिमांड है हमारी, कि हमें हमारे और जो एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया जाना चाहिए जी। लेकिन ना स्टेट गवर्नमेंट इस चीज को सुन रही है और ना सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज को सुन रही है जी, जबकि ये मुद्दा बहुत पहले से गर्माया हुआ था जी, जी, जी। कि भाई हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत सख्त जरूरत है। राजस्थान में एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन लागू कर दिया है जी, जी, जी। तेलंगाना में लागू कर दिया है जी। हमारा अभी तक नहीं किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी बार काउंसिल ने, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको रिकमेंड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से के पास भेजा है कि हम आप इसको लागू करिए, दिल्ली में बहुत सख्त जरूरत है जी, क्योंकि दिल्ली में इतना भीड़ भाड़ का इलाका है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इसके बारे में बताइए जरा। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट उस लाइन पर है जैसे डॉक्टर्स है, डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए है, वो डॉक्टर्स का स्पेशली है प्रोटेक्शन उनके लिए। हाँ जी, अगर एक उनके कार्यस्थल में कोई दखल देता है या कोई जैसे रोड पर भी है, पब्लिक प्लेस में भी उनके ऊपर कोई अटैक होता है, तो उनको उनके लिए स्पेशल कानून है। बिल्कुल, हम भी उसी तरह की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे लिए भी एक अलग से कानून होना चाहिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन है। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको अगर ये लागू होता है तो? देखिए, इसमें एक तो ये है कि कोई भी गलत काम करता है, अगर वकील के खिलाफ कोई भी झूठा केस करता है या वकील के ऊपर अटैक करता है किसी तरह से, तो इमीडिएट एक्शन होता है उस पर। राकेश शर्मा, एडवोकेट, द्वारका कोर्ट। देखिए, पर्टिकुलरली वो उनका पर्सनल मैटर हो सकता है कि उनका पारिवारिक विवाद था, अन्यथा हर एडवोकेट्स को जो कि चाहे क्रिमिनल या सिविल जो भी लिटिगेशन क्लाइंट के लिए करता है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलने चाहिए। और ये तो बड़े शर्म की बात है जो था ना कि भरे दिन के अंदर और रोड के बीच में और जबकि 100 गज की दूरी के ऊपर वहाँ पुलिस चौकी है, बैरिकेड लगे हुए हैं और वहाँ एक वकील भाई का मर्डर हो जाता है जो कि बहुत ही निंदनीय है। जी 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 जी। ये कुर्ता सिलना है मेरे साइज का। अच्छा, एक मिनट, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ हाँ, छोड़िए, हाथ हाथ ऊपर कीजिए। अरे मैं बाद में आती हूँ ना, अभी कर लेते हैं वो, बाद में हो जाएगा। सुनिए ना, रिया दीदी, आपकी दुकान छोटी है मगर हुनर बड़ा है, एक बड़ी दुकान लेके आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ाती?
लेकिन मनी बाबू पैसे कहाँ से लाए? दिव्या दीदी, सरकार की कई सारी स्कीम्स मेहनती व्यापारियों के लिए तो है। अच्छा, लेकिन क्या हम जैसों के लिए भी कोई स्कीम है? बिल्कुल, CGTMSE की क्रेडिट गारंटी स्कीम है ना, उसकी जानकारी लीजिए और फाइनेंस कंपनी से आर्थिक सहायता लेकर अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। भारत में हर रोज हजारों लघु उद्योग शुरू होते हैं, मगर जानकारी ना होने की वजह से ये इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपने विकास को गति दें। मनी ज्ञान से जीवन आसान। बहुत निंदनीय है ये चीज़, हम अपने ही कोर्ट प्रमाइसिस में सेफ नहीं है, सिक्योरिटी अपरेटिस स्ट्रॉन्ग नहीं है, वकीलों में बहुत सारे ऑफ लेट काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि सिक्योरिटी अपरेटिस को उजागर करता है कि कोर्ट कैंपस में लड़ाइयां हैं, मारपीट हैं और सच ब्रूटल अटैक्स। बट सबसे बड़ी चीज़ है, देखने वाली बात है कि राजस्थान में रिसेंटली जो एक्ट पास हुआ है जी, वो भी इसी प्रकार की घटना हुई थी, वकील की एक ब्रूटल अटैक में हत्या कर दी गई थी। बट एक चीज जो बहुत ज्यादा मायने रखती है कि उसके बाद क्या हुआ। बिल्कुल, वहाँ वकीलों ने प्रोटेस्ट किया, एक महीने तक एडवोकेट्स वर ऑन स्ट्रीट्स लिटरली फाइटिंग एंड टेकिंग आउट देयर वेंजेंस कि हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या है। हम न्याय दिलवाते हैं, वी आर द मीडियम, हम माध्यम है एक सोसाइटी और जस्टिस के बीच में, वी आर द मीडियम। बट जब इस माध्यम का ही कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वो अपनी लाइफ को स्टेक पे रख के, चाहे वो क्रिमिनल एडवोकेट्स हैं, सिविल वाले हैं, बट क्लाइंटेज आजकल ऐसी हो रखी है कि आप नहीं न्याय दिलवाएंगे तब वकील भुगतता है, न्याय दिलवाने के बाद कोई अपोजिट पार्टी अब मे भी उसका गुस्सा उस वकील पे उतरता है। सो वकील की प्रोटेक्शन के लिए क्या है? व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज, उनके लिए क्या वेलफेयर के नाम पे क्या है? उनके पास कुछ भी नहीं है। सो कोऑर्डिनेशन कमिटी, BCD, BCI एंड फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स और दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स, दे शुड टेक दिस थिंग वेरी सीरियस। इट्स अ ग्रेव कंसर्न, एवरी लाइफ मैटर्स। आम जनता है, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, जजेस हैं, सबकी पुलिस पर्सोनल्स के लिए प्रोटेक्शन है, जजेस की प्रोटेक्शन है, एडवोकेट्स की क्यों नहीं है? ये कब तक आपका है? डॉक्टर्स की भी है। हम भी सोसाइटी के एक ऐसे सोर्स हैं जहाँ पे लोगों को हम उनकी चीज़ों से सॉल्व आउट करवाते हैं, बट हमारा सॉल्यूशन किसके पास? वेयर शैल वी गो एंड इफ वी आर गोइंग देन व्हाट आर द हायर अथॉरिटीज डूइंग फॉर अस? वेलफेयर नहीं है और इट इज वेरी पेनफुल, एक सोरोफुल इवेंट है दिस इज, और ये चीज रुक नहीं सकती है। नियत चाहिए करने के लिए, रेजोल्यूशन और रेवोल्यूशन पास करवाने में बहुत मेहनत लगती है। इट्स नॉट अ वन आवर डे टू अफेयर कि आज बोल दिया तो बिल पास हो जाएगा, पहले रेजोल्यूशन पासेस होते हैं, बिल पासेस होते हैं, देन इट बिकम्स एन एक्ट। सो इट्स अ प्रोसीजर, इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, बट एटलीस्ट मेक अ स्टार्ट, प्लीज टेक अ स्टेप सो दैट जो हमारे होप्स हैं, जो हमारी एस्पिरेशन है कि यस पीपल who are our representative at the coordination committees, the BCD and the apex committee, the BCI. I have a question to Mr. Mishra, who is sitting at the apex seat right now in BCI. Sir, जब आपने राजस्थान में इस एक्ट पे इतनी सारी चीजें रेजोल्यूशन दिया, आपने रिपोर्ट दिया, LG के पास गए, विधानसभा का घेराव तक हुआ, सब कुछ होने की नौबत के बाद भी आपने उधर किया, हमारे लिए आज दिल्ली में ये चीज हुई है, तो why aren't you giving even a single word? There is no nothing coming from the horse's mouth. Why? And it's a big question. Pain और सबसे बड़े
एक दहशत का माहौल हो चुका है, वकील एक दहशत में है, सबको अल्टीमेटली अकेले नहीं है, फैमिली है उनके पीछे, तो ये कंसर्न है उनका भी। आज उनके साथ ऐसा हो सकता है, क्या है, आज नरवाल जी नहीं है, उनकी फैमिली, उनसे बड़ा पेन किसी का नहीं हो सकता आज के टाइम में, उनका जो आगे का फ्यूचर है, जो भी है, रंजिश है, विवाद है, दैट इज अ पर्सनल अफेयर, बट एक आदमी का लॉस एक फैमिली के लिए वही जान सकते हैं, इट्स अ बिग लॉस, वी आर इन पेन, बट मोर ऑफ दैट वी आर इन फियर फॉर आवर सेल्फ नाउ, कि उनके साथ हो सकता है, वहां पे हम भी हो सकते हैं कल को, नो वन इज सेफ, गारंटी किसी भी चीज की नहीं है, बट कम से कम एक एक हमारे पास एक वेपन होना चाहिए, सो दैट वी कैन फील दैट वी आर सेफ, हमारी कोई सुनवाई हो सकती है कहीं पे, या हमारे लिए, हमारे कंसर्न को लेके कहीं कुछ है, सो दैट इज व्हाट आई। तो ये शुरुआत जो है ये संसद से होगी या विधानसभा से होगी, कहाँ से? सर रेजोल्यूशन बनता है, कमिटीज, एक एक्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या चाहिए, वो पॉइंट्स होने चाहिए, वो पॉइंट्स एक रेजोल्यूशन की तौर पे आगे जाके गवर्नमेंट के सामने दिया जाएगा, मे बी लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस चीज़ के बारे में बात हो, देन इट शुड बी गोइंग इनटू द विधानसभा, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा पहले इस चीज़ को पारित करेगा। पर दिल्ली इज नॉट अ फुल स्टेट ना, इट्स नॉट अ फुल स्टेट बट इट्स अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो विधानसभा है दिल्ली में, सो फर्स्ट द रेजोल्यूशन शैल बी टेबल्ड ऑन विधानसभा, कैबिनेट्स में जाना चाहिए, सीएम को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देश के हालात वैसे भी कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, बट स्टिल वी कैन ऑलवेज डिमांड, वो हमारी डिमांड्स को सुने समझें और आगे तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट इफ दिल्ली सेंटर में बैठ के, अगर इस कैपिटल में बैठ के हमारी सुनवाई नहीं है तो फॉरगेट अबाउट कि बहुत सारे ऐसे रिमोट स्टेट्स हैं जहाँ पे सुनवाई होती भी नहीं है। तो सीएम से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सीएम सर से, साहब से सबसे बड़ी अपील यही है कि ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही हैज बीन अ गुड ब्यूरोक्रेट, ही इज अ गुड लीडर, सो आई और वी एक्सपेक्ट कि वेलफेयर के नाम पे, एक इंसानियत के तौर पे इस चीज़ को थोड़ा सा कंसर्न दिया जाए, कि वोटर अलग चीज़ होती हैं, पॉलिटिशियन अलग चीज़ होता है, बट दिस इज़ नॉट पॉलिटिक्स एंड वोटर की बात नहीं है, ये इंसानों की बात है, राइट टू लाइफ सबके पास है, एंड इफ समवन इज ब्रूटली अटैक्ड एंड किल्ड लाइक दिस ऑन रोड्स इन डे लाइट्स, सो आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, द पुलिस सिस्टम विच इज वर्किंग हियर, सो इट्स अ बिग क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट, जो सरकार है उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड इनका जवाब हमें चाहिए, और जवाब होना चाहिए, एज प्रोटेक्शन एक्ट शुड बी देयर फॉर अस, इट्स आर अपील एंड इट्स आर डिमांड एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, होप्स हैं, बहुत बड़ी होप है इस बार, एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट कि हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं हु आर सिटिंग इन टॉप पोजिशंस राइट नाउ, जिनके ऊपर सारो दारमदार है हर चीज़ का, वकीलों के जो डिमांड्स, जो इंस्पिरेशन है, वो आगे पहुंचाएं, इस चीज़ के बारे में लड़ाई करें, वी आर देयर टू सपोर्ट, स्ट्राइक इज़ नॉट समथिंग कि एक दिन में कुछ पास नहीं होता है इस देश में, इट्स अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, टाइम लगता है, पर क्रांति करने के लिए क्रांतिकारी भावना होनी चाहिए, एक मुहिम चलानी है, एक दिन की स्ट्राइक सिटिंग बैक इन द ऑफिसेस एंड चैम्बर्स विल नॉट डू एनीथिंग, सो इट्स टाइम, अगर हम तैयार हैं तो व्हाट इज द थिंग विच इज स्टॉपिंग देम टू टेक डिसीजंस, पूरा एडवोकेसी वर्ल्ड दिल्ली का उनके साथ है, सो क्यों सरकार पे हम दबदबा नहीं बना सकते इस चीज को लेके, माय ओनली थिंग इज दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका परिचय दे दीजिए। मंजुला खत्री, एडवोकेट, आई प्रैक्टिस इन द्वारका कोर्ट एंड मेंबर ऑफ डीसीबीए, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज कम यूनाइट, show your strength, and we are ready to strive to anything to get the protection for ourselves, it's our life and every life matters, seriously matlab kuch bhi acha bata mishona babu ne thana thaya, you see this guy, number one sleepless guy, she do the wee woo wee woo।
हम रात को जाग जाग के पूरे शहर में चक्कर काट रहे हैं कि ये बाबू और सोना चैन से सो जाए, लेकिन ये अपना सोना छोड़ गए, अपने सोना को खाना खिलान लाग रही है। अरे कुछ तो रिस्पेक्ट कर लो हमारी। मैं विकासदीप शर्मा, अधिवक्ता द्वारका कोर्ट जी। द्वारका कोर्ट में पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये जो परसों का इंसिडेंट हुआ है जिसमें नरवाल जी की बर्बर तरीके से गोली मार के हत्या करी है, दिन दहाड़े 4 बजे मेन रोड पे सड़क पे द्वारका डिस्ट्रिक्ट में ये कांड हुआ है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है जी। रोड पे पुलिसिंग कम है, या पुलिस की नई भर्तियाँ नहीं हो रही, या सारी की सारी जो पुलिसिंग है वो नई दिल्ली एरिया में लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी नेताओं के लिए लगी हुई है जी। इसके लिए सबको सोचना पड़ेगा, वकील ही नहीं आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। देखो क्राइम बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा जी। आज द्वारका में एक अधिवक्ता की हत्या हुई है दिन दहाड़े, किसी और की भी हो सकती है, तो यह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही है जी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नरवाल जी को PSO दे रखा था तो उनकी थ्रेट की जो थ्रेट मिली हुई थी उसको देख के दिल्ली पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी PSO। जब तक PSO था वो बढ़िया जी रहे थे, PSO हट गया, लोगों को पता लग गया, दुश्मनों को जिन्होंने एक्यूज ने मर्डर करा है कि PSO सिक्योरिटी हट गई है। अगर सिक्योरिटी होती तो शायद वकील साहब जिंदा होते। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस की इसमें मैं कमी मानता हूँ कि जो असेसमेंट करा इन्होंने थ्रेट का वो ठीक नहीं करा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आम नागरिक या कोई आम अधिवक्ता अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे को लाइसेंस नहीं देते जी। मैंने RTA लगा के पता करा है तो उसमें भी हमारे को लाइसेंस नहीं देते, जबकि हमारे को लाइसेंस दो, हम लोग को फॉलो करने वाले हैं, हम लोग को फॉलो करा रहे, कोर्ट के थ्रू करवा रहे हैं। अगर हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा किसको मिलेगा जी। आज वकील साहब के पास, दरबार साहब के पास अपना वेपन होता तो शायद अपनी सेफ्टी के लिए वो बच जाते। तो कहीं ना कहीं ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा और दिल्ली पुलिस को भी सोचना पड़ेगा कि जो पर्सनल सिक्योरिटी अगर आप किसी को नहीं दे सकते तो कम से कम हथियार तो प्रोवाइड कर दे। और वकील मैं बता रहा हूँ, आप वकीलों ने ही सारे आंदोलन करे जी। बड़ी बड़ी सत्ता हिला दी है वकीलों ने, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अपने बार काउंसिल के जितने भी लीडर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये वकीलों का आंदोलन जो है अब ये ऐसा आंदोलन का रूप ले लेगा कि इनसे संभलेगा नहीं। फिर ये कहेंगे जी वकील जो है सड़क पे आ गए हैं, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, तो अभी से चेतावनी दे रहा हूँ मैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारे हक के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट जो मांग कर रहे हैं जो राजस्थान में लागू हो गया है वहां लेके आओ, और वकीलों की सुरक्षा कोर्ट के अंदर और बाहर के अंदर भी सुनियोजित करना, ये दिल्ली पुलिस का काम है। अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते किसी को, इसको थ्रेट है, तो आप हमारे को लाइसेंस के लिए, कम से कम हम डबल ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट है, अगर आप हमें हथियार नहीं दोगे तो किसको दोगे? क्रिमिनल को हथियार दोगे दिल्ली में? तो हम सबको अगर थ्रेट जिसको मिल रही है, जिसकी एप्लीकेशन आती है, उसको आप हथियार प्रोवाइड कराओ, मैं ये मानना है। और हम वकील अब ऐसा आंदोलन करेंगे कि ये पूरे पूरा देश देखेगा, दिल्ली देश की राजधानी है, कहीं कुछ कोई चीज हमारे से दूर नहीं है। अगर वकील एक बार ही चल पड़ेंगे तो कारवा बनता चलेगा, और हम अपनी हर मांग मनवाना जानते हैं। अभी तो ये रिक्वेस्ट है, अभी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये जन आंदोलन ले लेगा वकीलों का तो किसी भी गवर्नमेंट से संभलेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत श्रीवास्तव है ब्लॉगर, ये जो हत्या हुआ ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग की डिमांड, हमारे बार की डिमांड, पूरे दिल्ली में जितने बार है वो डिमांड करते आ रहे हैं गवर्नमेंट से कि सुरक्षा की प्रबंध होनी चाहिए, एडवोकेट बेल प्रोटेक्शन एक्ट जो बनना था बनना चाहिए, राजस्थान में लागू हो गया, MP गवर्नमेंट ने कर दिया। एक द्वारका की बात नहीं है कि द्वारका कोर्ट में अकेले ये हत्या हुई है, रोहिणी करकाडुमा हर जगह ऐसी वारदातें होती रही हैं, और हम लोग काफ़ी दिनों से इसका डिमांड करते आ रहे हैं, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को सुनना पड़ेगा क्योंकि ये वाजिब डिमांड है। जितने भी स्टेट हैं वो महसूस कर रही है कि ये प्रोटेक्शन भी आना चाहिए, लेकिन पता नहीं दिल्ली सरकार और दिल्ली के नुमाइंदे क्या कर रहे हैं। हम लोगों ने काफ़ी दिन से इसकी मांग करते आ रहे हैं, हमारे बार के जो नुमाइंदे हैं वो समय समय पर अल्टीमेटम देते भी रहे हैं, गवर्नमेंट से बातचीत होती रही है, पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है। अब लगता है कि समाधान जरूर निकलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A2Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809665448754436। वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।